हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब चैनल पे कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करना अच्छा होता है, किसकी सर्विस बहुत अच्छी मिलती है यूट्यूब पेमेंट को रिसीव करने के लिए, और मैंने पर्सनली कौन सा बैंक अकाउंट यूज किया है, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम कौन से बैंक अकाउंट को ऐड करें अपने यूट्यूब चैनल पे, जिससे पेमेंट फास्ट हमारे अकाउंट में विड्रॉल हो जाए या आ जाए। ठीक है, तो ये कैसे करना है और कब करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अगर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यूट्यूबर होंगे और आप सभी के पास एक चैनल होगा जो मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज नहीं होगा तो हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है इसमें। अब यहाँ पे कौन सा बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए जिससे आपका पेमेंट में कोई डिले ना हो, कोई दिक्कत ना हो, राइट। यहाँ पे मैं आपको कई सारे बैंक के बारे में बता देता हूँ। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यूज कर सकते हैं, आप HDFC बैंक भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे ICICI बैंक भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक भी यूज करते हैं, आप यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने बैंक हैं सभी को यूज करते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ग्रामीण बैंक को भी बहुत लोग यूज करते हैं, जो गांव में है वो ग्रामीण बैंक यूज करते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, परेशानी कहाँ आती है, आपको कौन सा बैंक यूज करना चाहिए, मैंने कौन सा बैंक यूज करके बैठा हूं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत आती है जब आपके पेमेंट आपके बैंक में रिलीज कर दिए जाते हैं, मतलब कि YouTube के द्वारा 21 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपके पेमेंट रिलीज कर दिए जाते हैं। जो भी पेमेंट आपका बना है वो आपके बैंक में पहुंच जाता है और वो 25 तक आपके अकाउंट में आ जाने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो बैंक का जो वर्क है वो डिले होने की वजह से, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसकी जो सर्विस है बहुत स्लो है। यहाँ पे बहुत सारे बैंक की सर्विस बहुत फास्ट है, मैं बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, लेकिन बहुत सारे बैंक की बहुत स्लो है। अगर मान लो 25 तक हमारे अकाउंट पेमेंट आ जाने चाहिए बट नहीं आती है, तो वो खींच के आती है 1 तारीख तक, मतलब 10 दिन डिले हो जाती है, 20 दिन डिले हो जाती है, जिससे हमारी मन बेचैन हो जाता है कि भाई साहब हमारा पेमेंट आया क्यों नहीं। कोई यूट्यूब की तरफ से दिक्कत नहीं हो जाएगी, दिक्कत नहीं हो गया ना, या कहीं और से दिक्कत नहीं हो गया, ये सोच के हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन इस परेशानी से अगर दूर रहना चाहते हैं तो आपको वो बैंक्स को यूज करने हैं जिसकी सर्विस फास्ट हो। अब मैं वो सारे बैंक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी सर्विस फास्ट है, और मैं कौन सा यूज करता हूं वो भी बता देता हूं, ठीक है। तो आप यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी यूज कर सकते हैं, आप HDFC को भी यूज करते हैं, आप ICICI को भी यूज करते हो, और पंजाब नेशनल को भी यूज करते हो। इन सबका सर्विस ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इनके सर्विस में, राइट। इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं यहां पे, तो इन सारे बैंक को यूज करते हो, लेकिन इसमें से बेस्ट कौन है, इसमें से बेस्ट कौन है, सर ये बता दो, एक बता दो कोई जिसपे हम काम कर ले, जिसको हम लगा दें अपने चैनल पे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, या तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यूज कर लीजिए, या तो आप HDFC बैंक को यूज कर लीजिए। ICICI बैंक में आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो काफी कॉस्टली है उसमें मेंटेन करना, HDFC में भी लगभग 10,000 मेंटेन करना पड़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें SBI में, तो आपको मेंटेन बिल्कुल भी नहीं करना है सेविंग अकाउंट में, आप 2-3 हजार भी रखते हैं अपने अकाउंट में तो ओके है। और अगर हम बात करें करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट कोई मतलब नहीं है खोलने का आपका। तो यहाँ पे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही फास्ट सर्विस देने वाला बैंक में से एक है, और ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने में बहुत एक्टिव है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन होते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही होते हैं, और इसकी सर्विस बहुत फास्ट है। सो यहाँ पे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही मैं प्रीफर करता हूं कि आप लोग इसको यूज करें, जिससे आपकी सर्विस फास्ट रहे। मैं पर्सनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अपना अकाउंट जितने भी हैं वो मैंने होल्ड करा है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और मैंने यूट्यूब चैनल पे अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही अकाउंट लगाया हूं। तो ये सर्विस फास्ट होती है, और मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐड कर रहा हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्विफ्ट कोड इजिली मिल जाता है। अब ये स्विफ्ट कोड क्या है, तो डिटेल में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वॉच कर लीजिए, वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हमारे चैनल पे जिसपे मैं डिटेल में बताया हूं। चलिए इन करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको आइडिया मिल चुका हो किस बैंक को आपको ऐड करना है। आप कमेंट जरूर करना हमें कि आपके पास कौन सा बैंक अकाउंट है, और किस बैंक अकाउंट को आपने अपने यूट्यूब चैनल के साथ में लिंक किया है, और किसका सर्विस फास्ट है आपके अनुसार से। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।